Hello, Namaste, Adab. I am Taslima and you are on my channel TSP Education Hub. Friends, through thumbnail, you already know that my today's topic is rhyming word. Yes, today we are going to discuss all about rhyming words, its meaning and how to introduce rhyming words to your small children. Yes, I'm going to cover all the topic related to rhyming words and our small children. So let us start the video, but before starting, if you are new to my channel, please subscribe to my channel, and if you like my video, please do like, share and comment. So friends, rhyming words, what does this mean? Rhyming words are nothing but end sounds. Yes, koi bhi word ka jo end sound hota hai, that makes rhyming word. For example, do. D-O do, T-O do. The end sound is oo. Yes, do and to. Similarly, C-A-T cat or K-A-T cat. B-A-T bat, B-A-T bat. Cat and bat. The rhyming sound is same, at and at. Only the beginning sound is changing. In cat, k sound is coming and in bat, b sound is coming. So, what do we know now? That rhyming words are those words jiska end sound same hota hai or jiska beginning sound different hota hai. Let us take some more examples. Pin, tin, bin, fin. All these words are rhyming words. Because all their ending sounds are same, that is e, n, in. Now, when you know what is the meaning of rhyming word, the main problem you will face is how to introduce these rhyming words to children. Now friends, the best way to teach rhyming words is through poem or song. बच्चों को आप कोई भी पोएम या सॉन्ग गाकर सुनाइए और फिर राइमिंग वर्ड्स को समझाइए. फॉर एग्जाम्पल, पॉप 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 कॉर्न पॉपिंग इन द पॉट, पॉप 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 कॉर्न ईट इट व्हाइल इट्स हॉट, पॉप 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 कॉर्न बटर ऑन द टॉप, व्हेन आई ईट पॉप कॉर्न आई कांट स्टॉप. इस तरह से छोटे बच्चों को आप एक्सप्लेन करिए सॉन्ग या पोएम के थ्रू और देखिए कि वो कितनी जल्दी सीखते हैं. सो फॉर टीचिंग राइमिंग वर्ड्स टू आवर स्मॉल चिल्ड्रन, वी कैन प्ले अ गेम विद देम. यस, एंड द नेम ऑफ द गेम विल बी सिंग सिंग. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, सपोज यू सेड वन, नाउ यू आस्क योर चाइल्ड to say another word which sounds similarly like one. Suppose he will say gun or fun. Isn't it interesting? So this way you can introduce rhyming words to your small kids. Suppose you said come. Now you ask another rhyming word to your child and he can guess any word. If he says some, that is also a rhyming word. अगर आपके बच्चे हिंदी में बात ज़्यादा करते हैं तो आप उन्हें हिंदी में भी rhyming words introduce करके समझा सकते हैं. जैसे आपने बोला आम, आम की तरह दूसरा word बोलो. बच्चे ने कहा काम, राम या नाम. ठीक है, इसी तरह से आप उन्हें और examples दो. जैसे मैंने बोला डंडा, अब आप बच्चे से पूछो इसका और राइमिंग वर्ड सोच के बताइए. बच्चे ने कहा अंडा. इस तरह से बच्चों से आप खेल खेल में राइमिंग वर्ड्स पूछिए, उनसे समझिए, और जब उनका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कौन से वर्ड्स को राइमिंग वर्ड कहा जाता है, उसके बाद बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेम्स आप उनके साथ खेल सकते हो. आप अपने बच्चों को फ्लैश कार्ड्स दिखाइए और फिर उन्हें आइडेंटिफाई करवाइए कि कौन से वर्ड्स राइमिंग वर्ड है, उनका पेयर बनाएं. सपोज आपने फर्स्ट वर्ड दिखाया टिन. ठीक है, अब टिन दिखाकर आप बच्चों से पूछें कि टिन से कौन सा वर्ड मैच हो रहा है या राइम हो रहा है.
आप उन्हें और भी एग्जाम्पल्स दीजिए, जैसे आपने टिन दिखाया, अब टिन के साथ क्या ये नेम मैच हो रहा है, टिन एंड नेम? नो, ठीक है। क्या टिन के साथ ये पिन मैच हो रहा है? यस। तो बच्चों को आप समझाइए कि देखिए इसका लास्ट वाला जो वॉवेल है वो सेम है और लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है वो भी सेम है, मतलब लास्ट में जो साउंड निकल के आ रहा है वो सेम होना चाहिए और बिगिनिंग साउंड डिफरेंट हो सकता है, जैसे पिन का पी और टिन का टी। इस तरह से आप उनको बहुत सारे गेम्स अपने आप बनाकर बता सकते हैं। उनको आप कॉपी में लिख के दो राइमिंग वर्ड और उन्हें कहिए कि आप इनसे 3 राइमिंग वर्ड्स बनाओ, 2 राइमिंग वर्ड्स बनाओ। जितनी ज़्यादा राइमिंग वर्ड बनाने की वो प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा उनका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा और आई होप कि उनको ये राइमिंग वर्ड का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, छोटे बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करने में बहुत मजा आता है, तो आप एक गेम और खेल सकते हैं कि इस तरह से आप फ्लैश कार्ड्स प्रिपेयर कर लीजिए जैसे मैंने प्रिपेयर किया है और इन फ्लैश कार्ड्स को आप डिस्प्ले करिए किसी एक वॉल पे और डिस्प्ले करने के बाद आप बच्चों से कहिए कि कौन कौन से वर्ड्स राइमिंग वर्ड्स बन रहे हैं, आप उनको निकाल कर मुझे देते जाइए, सॉर्टिंग करते जाइए, ठीक है। वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो राइमिंग वर्ड्स के जितने भी ग्रुप बन रहे हैं आप ग्रुप बनाते जाओ और मुझे बताते जाओ। तो ये इस तरह से बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आएगा अगर ये गेम के थ्रू आप उनको सिखा दोगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, उनको आप बच्चों के साथ कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो, इजी वे में उन्हें कैसे पढ़ा सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा फ्रेंड्स, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।